हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्य मैं तेरे फ्रेंड्स लिब्रा का निकाल रही हूँ। इफ़ यू इन फ्यूचर आपके लाइफ में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। चलिए कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। ये जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और ऑल एज ग्रुप के लिए है जिस पर्पज़ से आप ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत डरते बहुत हो आप लोग, डर से आप बहुत सारा काम नहीं कर पाते मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और दूसरा मैं कहूँगी कि बड़ा होने वाला है। अब आप कोई स्टेप ले रहे हो, सोच रहे थे कि क्या करूं क्या नहीं, तो वो स्टेप आप लेंगे, अपने आप लेंगे, समय आ रहा है बिल्कुल। और जैसे ही वो स्टेप लेंगे आप स्टार में कन्वर्ट हो रहे हो, यानी आप जिस पोजीशन पे अभी हो चाहे जहां भी आप हैं उससे बहुत दूर आप जाने वाले हो, बहुत हाई लेवल पे पहुंचने वाले हो। क्योंकि मैंने इसी पर्पज़ से निकाला, क्योंकि कुंडली और इसका मैच करता है बहुत कुछ, तो मैं उस पर्पज़ से निकाल रही हूँ और ये देख रही हूँ कि क्या वाकई में कार्ड्स के थ्रू भी आ रहा है आपका। और मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज होगा, मेजर चेंज होगा और ब्यूटिफुल चेंजेस होंगे। और जो जीवन में अभी तक जहाँ हो आप, कहते ना अगर एक सीढ़ी पे अगर चढ़ चुके हो, उनके लिए मैं कह रही हूँ अगर एक सीढ़ी पे चढ़े हो तो आप आज के टाइम में कुछ समय में आप 9 सीढ़ी पे पहुँच जाओगे। यानी कि देख रहे हो आप आगे भी बढ़ के, डर रहे हो स्टेप नहीं ले रहे हो, लेकिन अब आप स्टेप लेंगे, अपने आप लेंगे आप। और उसके बाद आप जब उस पर वर्क करने लगेंगे अचानक से आपका बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी। लास्ट कुछ मंथ से आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि ये करूँ कि नहीं करूँ, ये दिमाग में बहुत घूम रहा था। चलिए अभी एक कार्ड और निकालती हूँ। बिल्कुल ये देखो एक नया, मैंने कहा ना कुछ नया सोच रहे हो आप, चाहे जिस पर्पज से आप देख रहे हैं ये वीडियो, लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, मैरिड लाइफ में, बिजनेस के लिए, या कुछ प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो, गाड़ी लेने का सोच रहे हो, कुछ भी ऐसा कुछ मेजर आप करने वाले हैं अपने लाइफ में और जो आपके दिमाग में अभी फिलहाल चल रहा है कि मैं करूं कि ना करूं। लेकिन मेरे कहने से आप नहीं करेंगे, आपके खुद ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप करने लगेंगे, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है और होगा भी। और उस लाइन में आप बहुत आगे बढ़ रहे हो और सबसे अच्छी बात है अपने गॉड पे भी बिलीव रखते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड्स देख। चलिए अभी और भी कार्ड्स के थ्रू देखें क्या बड़ा होने वाला है। कहीं कुछ ऐसा था अभी तक जो अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लास्ट 3 मंथ से डिसीजन भी अब लेंगे। उसमें आपका देख रहे हो कार्ड्स वैसे ही 1 by 1 आ रहे हैं, उसके नीचे डिसीजन के लिए अभी तक आप वेट कर रहे थे क्या करूं क्या नहीं। मे भी अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो देन आप डिसीजन लेने में अब आप हिचकिचाएंगे नहीं, एक नई शुरू आपको लगेगा कि क्या वाकई में, यानी जो कहते हैं ना एक जंप अगर करते हैं उसके बीच में एक गड्ढा आता है, ठीक है। उस गड्ढे को अगर हाई जंप कभी लाइफ में किया होगा या स्कूल के दौरान में हाई जंप अगर किया है तो उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि जब आप वो रस्सी क्रॉस करते हो उस समय आपको आपके बीच दिल में धड़कने होती क्या होगा, जब आप उसको जंप करके जब आगे बढ़ते हो तब आपको पता चलता कि वो एक गड्ढा आपने पार किया और उसके बाद का आपके जहाँ अंदर खुशी होती है ना, उस चीज़ का आपको मालूम होगा अगर किया है तो देन। तो वही चीज़ आपके लाइफ में आपको फील हो रहा है कि क्या होगा, देन मैं ये कहूँगी कि वो गड्ढा आप जंप करने वाले हैं, जहाँ आपको लग रहा है कि मैं अड़चन आने वाली है या अटक जाऊँगा तो वो पास यानी निकल जाओगे उससे। और बहुत ज़्यादा डिसीजन आप जो नहीं ले पा रहे थे, या दो काम कर रहे थे, दो बिजनेस कर रहे थे, या जॉब भी कर रहे हो बिजनेस भी कर रहे हो साइड से भी कुछ कर रहे हो, दो ऐसा कुछ काम लग रहा है मुझे, चाहे अपने पर्पस अपने तरीके से देखें, दो चीज़ है आपके लाइफ में जहाँ आपको समझ में, देखो दो फूल का एनर्जी आया, फूल का एनर्जी आने का मतलब है कि आप अपने गॉड पे बिलीव रख के आपको काम को करना है। जैसे वो काम करेंगे आप बिल्कुल निफिक्र जो कहते हैं ना वो होके आपको काम करना है, बट एक रास्ता जो खुलता है ना वही होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है आपके लाइफ में। और थोड़ा सा संभलना भी है अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से कि कोई पीठ पीछे हो सकता है, कोई आपको जो कहते हैं ना दुख देना या कोई चाल चलना इस टाइप का भी कुछ हो रहा है, हुआ है पास्ट में शायद, मे बी घर फैमिली में भी कुछ हो रहा है आपके लाइफ में। बहुत टफ टाइम लास्ट 6 मंथ से देखा है आपने और 3 मंथ से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी चीज़ को लेके, ऐसा भी है किसी किसी का है, लास्ट 6 मंथ से बहुत परेशान थे और लास्ट 3 मंथ से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि क्या लूँ क्या करूँ नहीं करूँ, है ना। उनके लिए मैं कहूँगी कि क्या करना है, दिल अब आपकी आत्मा जो गवाह कर रही है वही करना है, ठीक है। अपने गॉड पे बिलीव रखें और उसके बाद उस काम को करें।
यदि आप खुद देखो क्वीन ऑफ कप्स एंड क्यों, बिल्कुल आप करेंगे, मुझे मेरे कहने से नहीं करेंगे, और मैरिज पर्पस से अगर देख रहे थे तो मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा लास्ट मुझे लग रहा है 8 मंथ से बहुत परेशान हैं आप लोग, 6 मंथ से बहुत टफ टाइम देखा है, और 3 मंथ से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ऐसा कुछ था आपका लाइफ में। उन सब के लिए मैं कहूँगी कि किसी भी तरह का अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे दैन डिसीजन आप लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैरिज पर्पज़ के 4 ऑफ वैंड्स आया है, तो मैरिज पर्पज़ से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आफ्टर 4 मंथ्स आप लोगों की कहीं ना कहीं फिक्स होने वाली इंगेजमेंट, या मैरिज पर्पज़ से ही अगर कहीं कुछ ऐसा फील कर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है लिब्रा, जॉब पर्पज से देख रहे थे या करियर के लिए कुछ देख रहे थे ऐसा मुझे लग रहा है, कोई नया ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया कार लेने वाले हो, बाइक लेने वाले हो आप लोग, और अभी जो सिचुएशन चल रहा है आप उसमें फ्लो हो रहे हैं अभी का सिचुएशन। और देखो एक कहते हैं ना पंछी उन्मुक्त गगन का वो पोयम एक है, उस तरीके का आपका लाइफ होने वाला है, बिल्कुल लाइफ में अब फ्री होने वाले हो, कि बहुत सारे कार्ड्स आए हैं ऐसा कि पास्ट में कुछ हुआ था बट उन सब चीज़ों से आप बाहर आ रहे हो, एक मास्टर बन रहे हो। देखो ओसो जैन का कार्ड है, बिल्कुल माइंड से आप मास्टर बन रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस होंगे। है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना किसी के लाइफ में अगर चल रहा है जैसे मैरिज का कुछ चल रहा है, या कुछ बाहर जाने का सोच रहे थे, या कोई एक स्टेप लेने वाले हो किसी चीज़ को लेके। और पास्ट का मैं बार बार कह रही हूँ कि अभी आप अगर पास्ट का कुछ लाइफ में देख रहे हो तो उसको निकाल के बाहर फेंकें, आपको स्ट्रांगली खड़ा होना है। और ये देखें करेज का आया है, जब देखो पत्थर में से फूल निकल रहा है, अब देखे होगे कभी आप वैष्णो देवी या कहीं हिल स्टेशन पे गए होगे कि पत्थरों पे से आपको दिखेगा कि उसमें से प्लांट्स आ गए हैं ग्रो कर गए, तो आपकी लाइफ में अगर इस टाइप का बहुत हार्ड लाइफ देखा था अगर आपने पास्ट में, देन उनके लिए मैं कहूँगी कि आपके अंदर वो जो भी पास्ट का था वो ख़त्म हो रहा है और आगे आप मूव कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में अभी आप हैं उससे आप मूव ही करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि कार्ड्स आए हैं इसलिए मैं कह रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 7 मंथ्स और 1 साल के अंदर आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होगा, क्योंकि जीवन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, चाहे लव लाइफ में हो, करियर में हो, मैरिड लाइफ में हो, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ बिजनेस में ऐसा कुछ कहीं चल रहा था, उन सब के लिए अब आप अवेयर हो गए हो, हर चीज़ के लिए समझ चुके हैं कि क्या सही है क्या नहीं, और अब डिसीजन आपको खुद लेना है अपने गॉड पे बिलीव रख के। अब अपने आप कार्ड आए हैं तो मैं भी देखती हूँ, जीवन में कुछ कटु सत्य हुआ है आपके लाइफ में, मैं कह रही हूँ ना पास्ट में कुछ हुआ है आपके लाइफ में जिसको आप दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो लिब्रा, इन केस ऐसा है तो उनके लिए मैं कहूँगी कि उसको बाहर करना आपको ज़रूरी है, और वो आप खुद ब खुद करेंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। देखो रिन्यूअल रीयूनियन के वजन का अगर सोच रहे थे तो वो भी चांसेस दिख रहे हैं, और लाइफ में बहुत कुछ ऐसे मैरिज हो जाता है एक्सेप्ट नहीं कर पाता इंसान उस चीज़ को, तब सब चीज़ आप करेंगे, कुछ लाइफ में कन्फ्यूजन्स है अभी तो उस कन्फ्यूजन से आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है सारे डिसीजंस आप अपने आप लेने लगोगे। रिकवरी, जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न ख़त्म होगा आपका, और आपके लाइफ में रिकवरी आ रही है। ठीक है, डेस्टिनी में बहुत कुछ है इसलिए मायूस नहीं होना है, खुश रहना है, जीवन तो बदल रहा है और बहुत कुछ बड़ा होगा, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ नयापन आने वाला है, कुछ नया आप करने वाले हो ऐसा मुझे लग रहा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, क्योंकि ऑल एज ग्रुप के लिए मैं बनाती हूँ। बिल्कुल वॉकिंग है, मैंने कहा ना था ना कि पंछी उन्मुक्त गगन का कहानी अब जो पोएम था वो आपका लाइफ में हो रहा है, फ्रीडम मिलने वाला है, दिमाग से बिल्कुल फ्री हो जाओगे, मेंटली पीस मिलने वाला है, और खुशी सबसे अच्छा यही लगता है जब आत्मा आपका शांत रहता है, दिमाग में शांति रहती है, खुशियाँ रहती है, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस गॉड आपके साथ हैं। बिल्कुल आप यानी कि बिल माइंड से, लेकिन पास्ट का चीज़ कुछ तो ऐसा है जिसको आप निकाल नहीं पा रहे हैं, ज़रूर निकालें इसको, वो तब वो देखो एक हैप्पी फैमिली में बदल रहा है आपका, बहुत अच्छा, बहुत यानी कि कहीं फंसे पड़े थे ऐसा तो मुझे लग रहा है पास्ट में, मुझे लग रहा है लास्ट 5 मंथ से 6 मंथ से बहुत फंसे पड़े थे, लव लाइफ में हो सकता है, मैरिड लाइफ में हो सकता है, कुछ करियर को लेके हो सकता है, जिस भी पर्पज़ से आप वीडियो देख रहे हैं
बट मैं ये जरूर कहूँगी कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव और ठहराव भी आएगा, यानी ठहराव का मतलब है शांति मिलने वाली, ठीक है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलिए आप जिस भी रिलीजन के हैं अपने गॉड का नाम लें और उनके तरफ से कार्ड्स आ रहे हैं, ये तो मैंने बताया है, और कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके गॉड आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे क्या करना है क्या नहीं। दो कार्ड्स आए, नो नीड टू वरी, फर्स्ट ही आ गया कॉम्प्रोमाइज़। अभी जो सिचुएशन है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हैं तो करते रहें, आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, शांति से अपने काम को निकल लें। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जिस भी पर्पज़ से ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए मैं निकाल रही हूँ, और आपके गॉड ही आपसे कह रहे हैं कैसे क्या करना है। अबेंडेंस, आपके लाइफ में अबेंडेंस आ रही है। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स भी हो सकता है, कुछ हो रहा है, होने वाला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना अपने गॉड का नाम ले, ठीक है। चलिए एक कार्ड और निकालती हूँ मैं, क्या है नहीं है। लुक फॉर ए साइन, एक समय आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ इस समय मैं ये काम कर लेता हूँ कर लेती हूँ, तो वही समय आने वाला है। देयर इज़ समथिंग बेटर, ठीक है, और इसलिए मैं कह रही हूँ बिल्कुल हैप्पी हो जाएं। कोई भी चीज़ का है उसको बातचीत करके हमेशा क्लियर रखेंगे, कुछ ये नहीं छुपाना नहीं है कुछ भी, या कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि बाद में जाके गिल्ट फील करें या परेशान में हों, कुछ नहीं, बिल्कुल खुल के बोलना है। जिससे भी आप बात करते हो ना बिल्कुल पोलाइटली बात करेंगे आप, और उस चीज़ का कोई जिस भी पर्पज से वीडियो देख रहे हैं, बात करने का मतलब ये हो सकता है आपका मैरिड लाइफ में कुछ चल रहा हो या ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो खुल के बात करेंगे उस चीज़ पर। और जब आप, क्योंकि आप इंसान सही हो, जब इंसान सही हो रहता है ना तो हर काम गॉड भी देखते हैं और रास्ता खोलते चले जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत बड़ा आपके लाइफ में एक बदलाव होगा, कुछ बड़ा होने वाला है, और पॉजिटिव रहें। जहाँ फंसे पड़े हैं उससे बहुत जल्दी ही, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी ही आफ्टर 4 मंथ्स आपके लाइफ में, क्योंकि आया भी देखो किसी किसी का फ्यू वीक्स में भी हो सकता है, और अभी जो सिचुएशन है उससे बहुत जल्दी उस बाहर, जो प्रॉब्लम अगर किसी का चल रहा था उससे बाहर आ पा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। और एक नया एनर्जी आपके लाइफ में, और पॉजिटिव वाइब्स भी आ रहे हैं कार्ड्स को देख के, जो अभी तक हैंग्ड थे, फंसे पड़े थे, कंफ्यूजन था जिनके लाइफ में, उनको मैं स्पेशली कहूँगी कि अब हैप्पी हो जाएं। समय बदल रहा है तो बदलेगा ही, ठीक है। पसंद आता तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भी भला हो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।